वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इज़मीर तुर्की। मैं फाइनली आफ्टर 5 आवर्स ऑफ जर्नी फ्रॉम दुबई टू इज़मीर, काफ़ी यूनिक जगह दिख रही है। बहुत बहुत यूनिक एक्सपीरियंस। क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन तो बहुत स्मूथ था, यूसी ज़्यादा, तो देख के ऐसा स्टैंड मार दिया उन्होंने, खुशी खुशी से देते हुए यूएस वालों को। फाइनली मैं पहुँच गया हमारे जहाँ पे मेरे को वर्क अवे करना है, तो इज़मीर में वर्क अवे का फर्स्ट स्टेशन में आ गया मैं, जो एयरपोर्ट से 1 घंटा था। मैनेजमेंट स्टेशन पर उतर के मैनेजमेंट एरिया है अजमेर का। मैं गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा ही ला लिया मैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा भयानक है। जब को रूम बताया था वो ऊपर था, ये नीचे का एरिया है पूरा, डाइनिंग हॉल सिटिंग एरिया। तो ये एक सामने एक विला है, फिर बाहर निकल के बताता हूँ मैं, और एक विला है। टोटल 25 कैट्स है इधर, 25 कैट्स एंड 1 डॉग। ज़बरदस्त खाना है, कबाब वबाब भाई। मैं इतने जगह गया, हैदराबाद के खाने की याद आती। ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर सीरियसली टर्किश फूड इज़ टू गुड। अभी टाइम हो रहा 10:55 रात के, और इज़मीर की खासियत यह है कि यहाँ की रात काफ़ी छोटी है। टर्की में सबसे गर्म वेदर रहता है इज़मीर का, काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। एक टाइम पे ग्रीक रूलर्स रूल करते थे इसको, और अभी तो उतना ताल्लुक नहीं है उसके पास से, बट स्टिल जो पास्ट है तो पास्ट की हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। काफ़ी अच्छे लोग हैं। जो घर पे मैं रह रहा हूँ, तो बाजू में पैरेलल में एक बिल्डिंग है, तो वो फैमिली उनके साथ में रही है, तो ये बिल्डिंग पूरी मेरे को दे दी अभी जब तक मैं हूँ। तो ये है ड्राइंग रूम, ये है किचन, यहाँ है मेरा बेडरूम, ये रहा मेरा बेडरूम। यूजुअली क्या होता है वर्क अवे में, आपको क्या करते हैं शेयरिंग रूम्स देते हैं जितने भी दूसरे ट्रैवलर्स थे यहाँ के, उनके साथ आप साथ मिल के रहते हैं। सब प्राइवेट बाथरूम प्राइवेट बेडरूम नहीं मिलता, मेरे को तो प्राइवेट घर मिल गया, तो ये तो किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरे को हो गए तुर्की में आके 5-6 घंटे, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत चीज़ें करना है। तो मैं भी चलता हूँ सोने के लिए, काफ़ी थक गया। एंड चलो मिलते हैं अगले दिन सुबह में। तो पांचो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इज़मीर, द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इज़मीर। तो आज अभी मैं अपने वर्क के लोकेशन पर हूँ, और मीर को वॉलंटियरिंग करना है उनके फार्म में जाके। तो उनके पास गार्लिक के प्लांट्स है, पम्पकिन है, ऑरेंज है, मैंडरिन है, स्ट्रॉबेरी है। तो आज मेरे को सिर्फ गार्लिक के पौधों को निकालना है और एक साइड जमा करके उनको दे देना है। तो अभी उनको भी उनके जो मेरे होस्ट हैं उनको उनके जॉब्स पे जाना है, तो वो लोग अभी मेरे को ये देखिए, ये है टी, नीचे इसके है मिल्क, तो ये तो गर्म है। ये फ्रेश अभी इनके बाग से आई थिंक निकाले ऑलिव्स, एंड वी हैव आवर पैन रेडी फॉर अ गुड ऑमलेट। अभी मेरे को पर्सनली जानते तो ये मेरा फेवरेट अंडा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि पीछे का एक साइड से हाफ फ्राई कर देता हूँ, फुल फ्राई, एक हाफ फ्राई एग है बेसिकली। और इसका जो योक रहता, योक को मैं जितना हो सके उतना जूसी रखने की कोशिश करता हूँ, तो उसको फुल गर्म ना कर देता हूँ मैं। और अभी हम इसके साथ सपोर्ट में खाएंगे, वी हैव समोली ब्रेड, ये चीज़ ही है ना, क्या लिखा हुआ है, पनीर। ओ वाह, देखिए पनीर को लोग पनीर बोलते, पनीर
पनीर की तो ज़रूरत नहीं है अभी। लो का भी हूँ और वो घर के पास जो पीछे झाड़ दिख रहे उधर जाके फार्म हाउस है, फार्म है पूरा। एंड दिस इज़ यू कैन से और एक रूम बाज मेरे बेडरूम ये साइड में है, इसके बाजू का कमरा है एंड अच्छा व्यू है इधर से भी। तो हम निकलते हैं 5 मिनट में। सो अगेन कुछ भी नहीं, छोटा मोटा काम है, गार्लिक के पौधों को निकालना है। स्ट्रॉबेरीज के ब्लैंड्स और थोड़े बेबी स्ट्रॉबेरीज बता दूंगा आपको। देखिए अभी ग्रो हो रहा है स्ट्रॉबेरी। और अभी आज का मेरा काम ये है, बकेट कहाँ का ये रहा चाकू, ये रही बकेट और ये है गार्लिक। तो ये लोग की मेन रीज़न है गार्लिक को ग्रो करने की कि गार्लिक ग्रो करे तो इधर इंसेक्ट्स नहीं आते। तो हर फ्लावर्स के बीच में, हर फ्रूट के प्लांट के बीच में थोड़े गार्लिक को उगाए। तो अभी मेरे को जाके गार्लिक के रोट्स निकालना है। फॉर एग्जांपल उधर एक दिखा मेरे को, कहाँ है वो जो वाइट कलर का स्टेम दिख रहा, दैट इज़ गार्लिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राईपॉड लाना भूल गया, रूम पे रख दिया ट्राईपॉड। तो एक वीडियो ले लेके बता देता हूँ मैं कैसा करना है मेरे को, और थोड़े स्ट्रॉबेरीज के प्लांट्स भी बता देता हूँ मैं। ये सारे स्ट्रॉबेरीज ही है, थोड़े उन पर ग्रो हो रहे हैं, छोटे 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 कच्चे हैं अभी। वी हैव टू स्पॉट ए गार्लिक प्लांट, जब से स्पॉट कर रहा हूँ बीच में कहीं पर भी रहता, इसको निकालना है। सी भी अभी स्ट्रॉबेरी ही है, स्ट्रॉबेरीज मेरी गार्लिक भाई दिख गया। ये गार्लिक है, देखिए इसका है स्टेम वाइट कलर का, हाँ तो इधर ये दिख गया होगा। रिस्की है बट चलता चला, बड़ा है काफ़ी बड़ा है ये तो भाई। स्ट्रॉबेरी चला ना, वाइट स्टेम है। अब मेरे को जो सीखा है वाइट स्टेम को ही निकालना बोल के बोले तो गार्लिक इज मोस्ट लाइकली वाइट स्टेम। ओके या दिस इज़ गार्लिक, एक बड़ा अंदर रह गया लेकिन उसको भी निकालना। ओके आई थिंक इतना ही काफ़ी है। सी दिस इज़ द टास्क, और ये टास्क पूरा करना है। अब मेरी ज़्यादा नक्को करो बोले मेरे को तो, लेकिन मैं जितनी देर हो सका 2 घंटे तो कर लेते इधर। वेल मैं जब प्लांट को निकाल रहा था साइड में तो उसकी जो एक नाइफ थी मेरे पास वो थोड़ा वीक थी नाइफ, तो उसका अपर पार्ट ही निकल गया जिससे काटते। तो अभी मैं अंदर गया, दूसरी नाइफ लिया उनके पास। उनकी एक आंटी है नजीफ़ आंटी बोल के, जो असिस्टेंट यहाँ पर काम करते बहुत हेल्प करे बेचारे, पानी दिए। और क्योंकि दोनों यलीज और अली जो हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों फार्मासिस्ट, सुबह जाके शाम तक आते हैं। और उनके बेटे तो ना बेटी दिलीज वो लोग भी दोस्तों, मैं समर वेकेशन चल रहा था दोस्तों वगैरह में। अभी भाई अच्छे खासे काटा में गार्लिक को, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो गया, और आधा घंटा तो वो शार्प ना एज को ढूंढना में चलेगा। हेल न्यू एक्सपीरियंस और काफ़ी मज़ा आ रहा। और यही है देखो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब दिखता कि यू नो लग्जरी कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बट क्या बोलते आपको ट्रैवल करना है, मेरे वैसे बजट ट्रैवल में बोले तो ये सब जुगाड़ करना पड़ रहा। एंड दिस थिंग्स पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहते, कहीं को बोले तो माइंडसेट ग्रो होता और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलते भाई। वेल हियर वी आर, इतने में निकाला पानी रख देंगे, मैं इतने निकाला वहाँ से और उसको फिर ये जो है ये वो कट करा, इससे कट करके फिर इसमें डाला। तो इसमें पूरे गार्लिक भरे हुए अभी। काटना है और बॉक्स में डालना है। अभी वही 4 स्टेम्स को भी पूरा काटा मैं, जितना हुआ था पूरे एरिया का काट के अभी इधर जमा के रखा। एक बकेट हो गई, कवर करेंगे, कवर तो नहीं होता तो फिर लोग तो इसको ले लेके जाएंगे। चाकू 1, 2, 3 ये तो यूज़ में नहीं आई। लॉन्ग डे इसलिए भी कहीं को बोले तो यहाँ पर सनसेट हुए थे, 9 o'clock हुए थे और मॉर्निंग हुई थी 4:30 बजे, 8 घंटे 9 घंटे की रात
बाकी के पूरे 17-18 आवर्स वी हैव सनलाइट। इधर भी उग रहे ऑरेंजेस, मैंग्रीन और वी हैव पम्पकिन हियर फाइनली, ये भी उग रहा अभी। और ये रहा इनकी फैमिली का प्यारा सा घर और उसके बाजू की बिल्डिंग बता रहा हूँ जिसमें मैं रह रहा हूँ। में जो बिल्डिंग है उसमें मैं रह रहा हूँ, राइट साइड पे इनकी फैमिली रहती है, दोनों के बीच में पूल है। भी खाना बन रहा तो खाना बन रहा था कभी तुर्किश भजिया टाइप के मीठे। लंच में आज है थोड़े बीन्स, कोफ्ता, पटाटस एंड राइस बॉल, राइस लीव्स कुछ ऐसे ही बोलते हैं, सारमा सारमा, एंड दैट्स द लंच फॉर टुडे। अच्छा लैंग्वेज क्लासेस टाइप हुई मेरी, तो जो नजीफा आंटी जो थे उन्होंने मेरे को कितने की टर्किश वर्ड्स सिखाए, और मैं अपने भी जो मेरा मेरी अपार्टमेंट समझ लो मेरा बिल्ला अंदर से हायर 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 का मतलब नो नो अंदर नहीं आना, हाँ यार जल्दी बंद करो जल्दी बंद करो बंद कर ले। ओके तो मैं अपने रूम पर आ गया, रूम कैसा बोलने मिला, चलो ठंडा पियेंगे कुछ तो। स्प्राइट ये है यहाँ का स्प्राइट, ऐसा दिख रहा है ऐसा पूरा पानी है, लाइक अपने स्प्राइट में थोड़ा दिख गया था गैसेस भर के। तो इधर का स्प्राइट कैसा, मतलब मैं ऑलरेडी पी तो लिया मैं, स्टिल इट्स वेरी स्ट्रांग और बहुत डिफरेंट है। क्वाइट रिफ्रेशिंग। लेमन रुमली गजूज गैजूज बोले तो मैं इतना तो परफेक्ट नहीं हुआ कि एग्जैक्टली क्या है बोल सकूँ, इतना तो समझ में आया कि गैस ड्रिंक लेमन गैस ड्रिंक या सोडा जैसा बोलता है ना वैसी चीज़। आई थिंक वी विल रैप अप द डेमन।